यूनिट कन्वर्जन के दो एप्लीकेशन आप देख चुके हैं, एप्लीकेशन 1 एंड 2। एप्लीकेशन 1 में आपने क्या किया था? एप्लीकेशन 1 में आपने बताइए क्या किया था, याद है किसी को? सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था यूनिट डायमेंशन? ये आपने अननोन कांस्टेंट के क्या निकाले थे, डायमेंशन निकाली थी। किसी भी फार्मूले में कुछ अननोन कांस्टेंट थे, आपने उनकी डायमेंशन निकाल ली थी। एप्लीकेशन 2 में आप सीख गए कि दूसरे यूनिट कन्वर्जन्स में, किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है ना, जैसे 2 kg आपको ग्राम में लिखना है तो आप कैसा फार्मूला लगाएंगे, वो आपको क्लियर हो गया। एप्लीकेशन नंबर 3 आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी हेल्पफुल होता है किसी भी क्वेश्चन में। आपका मान लीजिए वेरिएबल में आंसर आ रहा है, ठीक है ना, आपका वेरिएबल में आंसर आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि वो डायमेंशनली सही है या नहीं, ठीक है ना। तो आप दो दो तीन ऑप्शन तो बहुत बार जब वेरिएबल में आंसर होता है ना, इसी तरह से रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 2 तो आप कर ही सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन देता है ना उसमें, क्वेश्चन में किसी में, तो कुछ ऑप्शन तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होते हैं, तो वो तो वैसे ही नहीं हो सकते आंसर। देखिए आप, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, बताइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। पहला क्या है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज या आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कुछ ये था क्या कि डायमेंशन लेस कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये होगा कि इक्वेशन में दोनों तरफ आपकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो उसी बेसिस पर देखिए, मान लो आपने कोई टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब कोई टाइम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेसिकली ये फार्मूला तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का होता है, 2π√L/g, ठीक है ना। बेसिकली फार्मूला तो क्या है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, बट आपको इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेंज करनी, ठीक है ना, वो चेक करनी है आपको। तो यहाँ पर जो टी है वो टाइम है, तो इसकी डायमेंशन T1 हो गई अपने आप। अब ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब देखिए √L/g की डायमेंशन भी यही निकल के आनी चाहिए, ठीक है, तब तो आपका ये फार्मूला सही है, नहीं तो ये फार्मूला गलत हो जाए, ठीक है ना। √L/g की डायमेंशन भी आपकी वही निकल के आनी चाहिए, तब तो ये फार्मूला सही है, नहीं तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेक करोगे √L/g की डायमेंशन? ये √L/g है आपको, तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, L1 रख दिया। एक्सलरेशन की जगह कितना आएगा, L1T-2 आएगा। जी क्या होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। अभी आपको बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आपको अपने आप कुछ बचेगा ही नहीं आपके लिए। ये क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो ये लेंथ है बेसिकली। जी क्या एक्सलरेशन है, तो हमारे लिए किसी की भी वजह से है तो एक्सलरेशन, ठीक है। डायमेंशन तो वही रहेगी, तो देखिए ये जो आपकी √L/g की डायमेंशन क्या टाइम की डायमेंशन निकल के आ रही है, अगर ऐसा है तो सही है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये फार्मूला सही है। कैसे, आप ये देखो √L/g, तो एल की जगह 1 आ रहा है, इसकी जगह कितना आएगा, जी की जगह L1T-2, ऐसे लिख दिया करो बेटा सबकी डायमेंशन, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो L1 तो कट गया, टी को ऊपर ले जाऊंगा, रूट को 1/2 लिख दूंगा, तो क्या आ रहा है, टी आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली ये फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है, बाकी अब एक्सपेरिमेंटली पता पड़ेगी एग्जैक्ट है, बट एटलीस्ट डायमेंशन के बेसिस पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा लिख देते, कोई आपको ऐसा कह रहा था ये टाइम पीरियड हो सकता है क्या, तो आप ऐसे ही मना कर देंगे, कोई नहीं सकता, ये टाइम की डायमेंशन ही नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे L² आ गया, तो L की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर है बेटा, जब भी आपको डायमेंशनल करेक्टनेस किसी फार्मूले की चेक करनी है, तो आपकी जो इक्वलिटी का साइन है उसके दोनों तरफ डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। उस इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको बोलेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। खूब आते हैं स्कूल में ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है। मेंस में तो ऐसा कैसे पूछेगा, इसमें कैसे आपके मेंस एडवांस में हेल्पफुल हो सकता है, वो मैंने बता दिया। आपका कोई आंसर आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। या कुछ ऑप्शन है तो उसमें आप देख सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट ऑप्शन, तो अगर कोई ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट नहीं आ रहा तो वैसे रिजेक्ट हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इस एप्लीकेशन की। और कोई एग्जांपल है क्या इसमें, इतना सफिशिएंट है? आप आते रहेंगे फार्मूले, आप हमेशा चेक करते रहेंगे, तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। हम नेट एप्लीकेशन पे चलते